हे गाइस, एज यूजुअल एक और बेहतरीन मूवी ऑफर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। सो बिना किसी बकवास के लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली विद द टॉपिक। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पहले पेटीएम ने मार्वल मूवी पास निकाला था, जिसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है। आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और ऑफर डिटेल्स जान सकते हैं। उसके बाद में बुक माई शो ने फिल्मी पास निकाला था, जिसका अगेन मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। आप यहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब लगता है इन दोनों ही पासेस के बाद में पेटीएम रुकना नहीं चाहता, एंड पेटीएम चाहता है कि जो भी बुकिंग हो मूवी के वो सिर्फ पेटीएम से ही हो। इसलिए पेटीएम ने चार और मूवी पास निकाले हैं। बट अगेन ये पासेस सिर्फ लिमिटेड सिटीज यानी कि बड़े बड़े शहरों में और अच्छे खासे शहरों में ही अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज के लिए है, मगर सिर्फ इन्हीं सिटीज के लिए आप ये पास बुक कर सकते हैं। अगेन इन सभी सिटीज का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आगे जाकर कुछ सिटीज निकल जाए या कुछ ऐड हो जाए, तो डिटेल अपडेटेड सिटी लिस्ट के लिए आपको पेटीएम ऐप ही रेफर करना होगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स है, ये जो ऑफर है, ये आप वेबसाइट पे बाय नहीं कर सकते हैं। ये वाउचर आपको सिर्फ पेटीएम ऐप के थ्रू ही मिलेगा। एंड अगेन क्योंकि ये सिर्फ ऐप ऑफर है, तो मैं इसका कोई लिंक भी नहीं दे सकता, मैं सिर्फ सिटीज के नाम दे सकता हूं। मगर अगेन डिटेल सिटीज के लिए आपको पेटीएम ऐप ही रेफर करना होगा। कहां पर आपको डिटेल्ड अपडेटेड सिटीज पता चलेंगे जहां पर ये वाउचर अवेलेबल है, उसका भी डिटेल मैं आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पेटीएम ने चार मूवी पास निकाले हैं। पहला पास होगा सिंगल पर्सन के लिए और इसकी प्राइस होगी 250 रुपए यानी कि 250 रुपीज। इस पास को लेने के बाद में आप 30 दिन के अंदर चार मूवी देख सकते हैं, और कंडीशन ये है कि एक हफ्ते में आप एक ही मूवी देख सकते हैं, यानी कि जब आप पास बुक करेंगे तब से ही ये पास चालू हो जाएगी और हर एक हफ्ते आप एक मूवी देख सकते हैं। मगर अगेन जब आप ये पास खरीदेंगे तो वहां पे एक लाइन, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेटीएम इस मूवी पास में, वो पढ़कर आप कंफ्यूज मत होना। बट जस्ट आप कंफ्यूज ना हो, वो डिटेल मैं आपको यू नो समझा देता हूँ। वो ये है कि समझ लीजिए कि मैंने ये पास खरीदा मगर मेरे दोस्त ने ये पास नहीं खरीदा, और मुझे और मेरे दोस्त को साथ में एक ही मूवी देखनी है। तो जब मैं मूवी खरीदने जाऊंगा यानी कि जब टिकट बुक करने जाऊंगा, तो मैं दो टिकट बुक करूंगा, और दो टिकट जब बुक करने जाऊंगा तो ये मैं पास अप्लाई करूंगा। तो जब मैं ये पास अप्लाई करूंगा तो एक टिकट का कैशबैक अप टू 250 है कैशबैक इसका, वो एक टिकट पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दूसरे टिकट का पूरा प्राइस मुझे भरना पड़ेगा, यानी कि उसका कैशबैक मुझे नहीं मिलेगा। तो हाँ, इस पास के साथ में आप 2, 3, 4, 5, 7 टिकट बुक कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1% के लिए है, आपको सिर्फ एक ही टिकट पे अप टू 250 का कैशबैक मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए कि अगर एक टिकट का प्राइस 250 है, पूरा 250 मिलेगा, 150 है एक टिकट का प्राइस तो 150 मिलेगा, 300 है अगर टिकट का प्राइस तो 250 मिलेगा, क्योंकि अप टू 250 कैशबैक है। एंड अगेन जैसा मैंने बताया, आपको इस पास पे अप टू 250 रुपीज का कैशबैक मिलेगा पर टिकट, यानी कि सिंगल टिकट पे 250 रुपए का कैशबैक। सो अगर ओवरऑल बात करूं तो 250 रुपए में आप चार मूवीज देख रहे हैं और 1000 रुपीज का कैशबैक ले रहे हैं, तो 62 रुपीज में यानी कि पर टिकट का आपको 62 या 63 रुपीज पड़ता है, और आपको अप टू 1000 का कैशबैक मिल जाता है, यानी कि 250 रुपए में आपको 1000 रुपीज मिल रहा है। आई थिंक दिस इज वेरी गुड ऑफर। अब ये पास मुझे सबसे सही लगा सिंगल पर्सन के लिए, और भी बहुत सारे पास है जो कि मैं नहीं प्रेफर करूंगा आप ले, क्योंकि वो काफी महंगे भी हैं और 2 और 4 लोगों के लिए हैं, बट स्टिल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उस पास के डिटेल भी बता देता हूँ। दूसरा पास होगा 2250 रुपए का, ये 2 लोगों के लिए वैलिड होगा और इसकी वैलिडिटी होगी 90 दिन, यानी कि ये 2 लोग हर हफ्ता एक मूवी देख सकते हैं और ये 90 दिन तक देख सकते हैं, यानी कि 12 मूवी 90 दिनों में। अगेन इसका भी सेम कंडीशन है, आपको अप टू 250 रुपीज कैशबैक मिलेगा पर टिकट। तीसरा पास है 900 रुपए का, जिसमें 2 लोग 4 मूवी देख सकते हैं 1 महीने में, यानी कि इसकी वैलिडिटी होगी 30 दिन, सेम कंडीशन है, 1 हफ्ते में 1 मूवी देख सकते हैं आप। चौथा और लास्ट पास है 1350 रुपए का, जिसमें 4 लोग 4 मूवी देख सकते हैं, यानी कि इसकी वैलिडिटी होगी 30 दिन और हर एक हफ्ते में आप 1 मूवी देख सकते हैं, यानी कि 4 लोग 1 मूवी देख सकते हैं 1 हफ्ते में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पास आप कैसे खरीद सकते हैं। पहले पेटीएम ऐप ओपन कीजिए अपने मोबाइल पर। अब मूवी टिकट्स पे क्लिक कीजिए, कुछ ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको आपका सिटी सेलेक्ट करना है। अगर आपका सिटी अवेलेबल है तो यस आप ये पास खरीद सकते हैं, अगर नहीं तो प्रे कीजिए कि पेटीएम जो है
वो सिटी ऐड कर दे और आपको यहीं पर पूरे अपडेटेड सिटीज की लिस्ट भी मिल जाएंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो पास में इंटरेस्ट है वो पास आप सिलेक्ट करके बाय नाउ पे जाकर उस पास को खरीद सकते हैं। अब कैसे पेमेंट करना है मुझे नहीं लगता आपको ये बताने की जरूरत है, जो भी आपका पेमेंट मोड है, जो से भी आप कंफर्टेबल है, जो भी आप यूज कर सकते हैं वो पेमेंट मोड यूज करके आप इस पास को खरीद सकते हैं। मगर हाँ, इस पास के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इससे पहले आप मुझसे सवाल पूछे, थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस जो FAQs में मेंशन है पेटीएम पे मैं ऑलरेडी क्लियर कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना हो। पहला कंडीशन, ये IMAX स्क्रीन्स डायरेक्टर्स कट, ये डायरेक्टर्स कट क्या है मुझे पता नहीं, बट डायरेक्टर्स कट के स्क्रीन्स पर और गोल्ड क्लास स्क्रीन्स पर ये वाउचर यानी कि ये पास एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप इन सभी स्क्रीन्स के टिकट इस मूवी वाउचर से बुक नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन, रिमेम्बर आप सही सिटी सिलेक्ट करके ही ये पास बुक करना, और अगर आपका सिटी अवेलेबल है तो ही बुक करना। मुंबई का बुक करके आप दिल्ली में जाकर ये पास से वो मूवी टिकट नहीं बुक कर सकते, आप मुंबई में हैं तो मुंबई के ही पास बुक कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन, 3D ग्लास चार्जेस, सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, जो भी एक्सेट्रा टैक्स है, GST, CGST, XCST, आई डोंट नो, जो भी टैक्स है वो इस वाउचर में एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो आपको अलग से भरना ही होगा। चौथा और मेन कंडीशन, जिस पेटीएम अकाउंट से आप ये पास बुक करेंगे ये पास सिर्फ उसी अकाउंट से वैलिड होगा, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे अकाउंट से मैंने वो पास खरीदा और आप अपने पेटीएम अकाउंट से उसे बुक कर रहे हैं, आप नहीं बुक कर पाएंगे, एरर आएगा आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सवाल, भाई क्या मुझे कैशबैक मिलेगा, मैंने KYC कराई है, मैंने KYC नहीं कराई है, इसका सिर्फ एक जवाब है, अगर आपने KYC कराया है तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, अगर आपने KYC नहीं कराया है तो नॉर्मली मिनिमम KYC करा के ही आप पेटीएम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले बहुत सारे लोगों ने पेटीएम अकाउंट खोल लिया था और KYC नहीं कराया था, ऐसे अकाउंट्स में आपको गोल्ड बैक देता है पेटीएम। अब बहुत सारे कंडीशंस में यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स में ऐसा भी होता है कि पेटीएम कैशबैक दे देता है बिना KYC के, यानी कि KYC नहीं रहता फिर भी कैशबैक दे देता है, बट स्टिल ये एक लक है, आपको शायद कैशबैक मिले या गोल्ड बैक मिले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको KYC कैसे कराना है कैसे नहीं कराना है ये आप पेटीएम ऐप में जाकर KYC डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं। यार बहुत आसान है, आप मतलब आपके आजू बाजू में KYC सेंटर्स होते हैं पेटीएम के, वहां पे जाके 2 मिनट में आपका जो KYC अपडेट हो जाता है, या फिर आप अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं, आपके घर में आके अपडेट कर लेता है। एंड अगर आपने ऑलरेडी एक पेटीएम खोल दिया है और दूसरे अकाउंट से आप एक और पास खरीदना चाहते हैं तो आप अपने मॉम डैड भाई बहन किसी के भी नाम से पेटीएम अकाउंट ओपन करके उसको भी वेरीफाई कर से मल्टीपल पासेस खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए ये था ऑफर डिटेल्स और कुछ FAQs के जवाब। तो अगर फिर भी मैं कोई FAQs या कोई सवाल जवाब भूल गया हूँ, जो कि ऑफकोर्स आप जाके मुझसे पूछेंगे, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड अगेन हमेशा की तरह, अगर आपको हमारे ये वीडियोस एंड अपडेट्स एंड मूवी रिव्यूज पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज 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 सपोर्ट अस इन प्रमोटिंग दिस चैनल बाय सेंडिंग एनी अमाउंट यू कैन। आप हमें ऑनलाइन पेमेंट से, पेटीएम से, UPI से या फिर PayPal से भी पेमेंट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अस एंड हेल्प अस ग्रो। तो ये था हमारा शॉर्ट अपडेट मूवी पास को लेकर, जहां पर आप ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं एंड ढेर सारी मूवीज देख सकते हैं इन अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।